पहले बताओ क्या बताऊँ, बैड न्यूज़ पहले बताओ या गुड न्यूज़ पहले बताओ? बैड न्यूज़ पहले मेरे को बताओ। 40 साल में ऐसा मौसम आएगा नहीं। अगर आप घूमने जाने का सोच रहा हो तो कैंसिल कर दे भैया। नोएडा में रजाई लेने का टाइम आ गया। मैं किसको ताली दे रहा है? कर्म है करने का जो आज ये सोच रहा है। ओए होए क्या मौसम हो रखा है। व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, सभी सबका ऑब्वियस को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्कार है दोस्तों। स्वागत है नए व्लॉग में सुनहरी सुबह के साथ। और बहुत ही गजब मौसम हो रखा है। मैंने आज तैयार नहीं था व्लॉग बनाने के लिए आज, लेकिन जैसे कि मैंने ये मौसम देखा और बाइक में ऐसी ठंडी ठंडी हवा लगी, मई के महीने में भाई ओस लगी हुई है और जैकेट अभी तक पहनी हुई है। जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो नोएडा में भैया ओस लगी हुई है और ठंड, बहुत ही ज़्यादा मस्त मौसम हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा। और एज यूजुअल सबसे पहले आ गए हैं अपने एरिना में एंड वर्कआउट कर लेते हैं सबसे पहले और ब्लॉग का शुरुआत करते हैं इस सुनहरी सुबह के साथ। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग भाइयो, गुड मॉर्निंग बिटो भाई। हेलो। हाँ भाई, मौसम देख के मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। ओए कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। 40 साल में ऐसा मौसम आएगा नहीं। फेलीज कॉमेट। वाह, जैकेट निकल गई है, चार महीने तो हो चुके। अगर आप कहीं घूमने जाने का सोच रहा हो तो कैंसिल कर दे भैया। नोएडा में रजाई लेने का टाइम आ गया। नेचुरल ब्यूटी। ओ हो यहाँ पे भी बहुत गजब का सीन चल रहा है। आज हम यहीं वर्कआउट करेंगे नोएडा हार्ट में। नोएडा ये देखिए दोस्तों, सामने इस्कॉन टेंपल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा और फॉग की वजह से दिख नहीं पा रहा है यार। ये ठीक क्यों नहीं करते अभी? चले दुनिया का आखिरी कॉर्नर। चलो सबस, ये दुनिया का आखिरी कॉर्नर, आप कैसी बात करते हो? ये बोलेगा जरूर मंडू। ए भाई साहब मंडू स्प्रिंट मारनी है, स्प्रिंट। इतने मस्त मौसम में भी हल्के बहुत ही पसीने आ रहे हैं और अभी तक फॉग हटने का नाम नहीं ले रहे। 7 बजने वाले ऑलमोस्ट और यहाँ पे लंगड़ी टांग का पाला चल रहा है। लंगड़ी टांग का पाला। अरे भाई शाबाश। मैं किसको ताली दे रहा है? कर्म है करने का जो आज पूरा कर रहा है। ये अपने बेटा निकल निकल ये सोच रहा है कि वो हां मुझे पता है। अरे चलिए साइड लेंथ पे आ जाइए। ब्लूपर मिल गया। किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया। इतने बेहतरीन मौसम में वर्कआउट करने के लिए हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरे को कौन गिफ्ट करेगा। इसके तो मैम वो है वो। एक बार और कोयल। जय श्री राधे कृष्णा। कोयल भी बोल रही है। जय श्री राधे। हर हर महादेव। क्या प्यारे फूल हैं। नहीं नहीं भैया थैंक यू, इतने अच्छे मौसम में तो वॉक करके ही चलेंगे। चलो जी दोस्तों, बहुत ही मस्त वर्कआउट हो गया है हमारा एंड बाय बाय नोएडा हार्ट। ये नहीं होता तो हमारे मज़े नहीं हो पाते वर्कआउट में। और अभी दिखाता हूँ एक चीज़ आगे चल के है। भूतिया पेड़, ये क्या है? लीवलेस पेड़। नंगा पेड़। सो दोस्तों
कितनी फॉग लगी हुई, शायद कैमरे में ना दिख रही हो, लेकिन आपको मैं अब जो वीडियो दिखाऊंगा आपको देख के पता लग जाए शायद। वो देखिए, वो बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है, ये मैंने फुल जूम कर दिया है, वो बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है, इतनी फॉग लगी हुई है। और 7 बजे भी ऐसा मौसम हो रखा है, अरे ओहो, इतना वर्कआउट कर लिया, अब अच्छा सा नाश्ता मिल जाता तो मज़ा आ जाता। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक दोस्तों। सो हाय, गुड मॉर्निंग मनी, गुड मॉर्निंग। बिजी है भाई आजकल, मनीषा जी बिजी हो रखी है बहुत। तो दोस्तों वापस आ चुका हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं, अरायना को भी फीवर आ रहा थोड़ा सा, वो भी स्कूल नहीं जा पाई आज, एंड वीर का पापा देखेंगे आज, ठीक ही लग रहा है। वही का अपडेट रह जाएगा स्टेटस देखने का, थोड़ी देर में उठेगा तो फिर देखेंगे। वैसे तो सही है कल परसों से, एंड चल चाय पी लेते हैं पहले फटाफट, चाय चढ़ गई है। और दोस्तों जिस मौसम के चक्कर में मैंने सुबह कहा मैं बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, लेकिन जिस मौसम के चक्कर में व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, ये देखिए चटक धूप आ गई है एकदम असंभव है मनी। वीडियो देखना भाई, ऐसे फॉग लगी हुई थी भाई, ऐसी फॉग लगी हुई थी दिख नहीं रहा था, स्कूटर में जा रहा था मैं सुबह। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? सो दोस्तों, और एक अच्छी खबरी भी है, अच्छी खुशखबरी भी है, मतलब अच्छी खबर है। सो मनीषा भी अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है, तो अभी जाने तो लग गई है, ऑफर लेटर तो मिला नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा अभी ऑफिशियली तो मतलब अनाउंस करना सही नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हो ही गया है। देखते हैं, अभी चल ही रहा है मामला, शायद कंफर्मेशन भी हो जाए अभी, तो अभी 50-50 लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को अपडेट ही दिया। आप बोल रहे होंगे मनीषा कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किधर बिजी है, आजकल व्लॉग में नहीं दिख रही है। सो जो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, वीर जब तबीयत ख़राब थी उसकी, डॉक्टर के पास ले गए थे, तो उस टाइम उसने छुट्टी करी थी, तो अभी ऐसी है। फिर अगर पक्का कंफर्मेशन आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए मनीषा चाहिए आपकी, पीलो थोड़ी सी, भाभी जी गुस्से में कहाँ जा रहे हो, मिलिट्री की जैकेट पहन के, आर्मी की जैकेट पहन के कहाँ जा रहे हो? जंग में जा रहे हो क्या, कि ऑफिस में जा रहे हो? पुलाव, हाँ, नाश्ता भी, गाइस नाश्ता भी बना के जाती है और लंच भी बना के जाती है, अपने को सिर्फ बर्तन धोने पड़ते हैं और कुछ नहीं। चलिए फिर मनीषा को ड्रॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, बच्चों को उठाएंगे, फिर अपडेट देंगे वीर का क्या है। चलिए जी, मनीषा को भी ड्रॉप कर दिया है, अब मेट्रो तक छोड़ दिया है, तो अब चलते घर। यार तो मौसम साफ हो गया भाई, लेकिन स्कूटर में अभी भी है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। चलिए दोस्तों, मनीषा को भी ड्रॉप कर दिया, एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग वीर, गुड मॉर्निंग। पापा व्लॉग बना रहे हैं यार, बहुत दिनों से इसको ऐसे ही नहीं उठाया हमने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो उठो गाइस, को दिखाना है कितना रह गया, कितना रह गया बताओ, ठीक हो गए नहीं हो गए? हमारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं भाई, वीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। सो जी दोस्तों, नहा धो के अपन लोग हो गए हैं फ्रेश, एंड वीर भी होपफुली उठ गया। सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यार, मुझे भूख लग रहा है, फिर वीर से मिलेंगे। और ब्रेकफास्ट में आज बने हैं गोभी के परांठे, तो ये मनीषा बना के गई थी, अभी गरम गरम ही हैं। और ये पीलू भात, पीली भात भी बड़ी ऊँचा आज, तो दगड़े हो, दगड़े हो, पीलू भात भी बड़ी ऊँचा एकदम पुलाव। अभी क्या है ना कि वीर की वजह से जैसे उसको चिकन पॉक्स चल रहा था, तो अपन लोग धनक अब सॉरी क्या बोलते हैं अदरक लहसुन वगैरह वो सब प्याज नहीं खा रहे हैं, तो नॉर्मल खाना बन रहा है एकदम। तो एक बार इसकी पूजा जाके इसको शीतला माता के हाथ से, शीतला माता को प्रसाद चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपन प्याज व्याज लहसुन खाना शुरू करेंगे। अभी बिल्कुल ही नॉर्मल खाना चल रहा है, और चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं सबसे पहले। जी दोस्तों वेलकम बैक, बहुत ही लंबी बत्ती को लोगी थी, एंड अभी अभी उठे हैं बस, और शाम के लगभग 6 बज गए हैं, 6:15, और मनीषा का आने का टाइम हो गया है। हाँ बेटा दिखाना जरा, गाइस को दिखा दो जरा, गाइस इसके थोड़े से ना ये निशान रह गए, यहाँ पे रह गया है, दिखाना फोरहेड पे निशान रह गया, अभी ठीक हो रहे हैं, मतलब और जगह तो ठीक हो गए हैं, इसके हाथ वाथ भी ठीक है। अब ठीक हो ना, आप ठीक हो ना बेटा, है ना? नहीं, अभी ठीक नहीं है। ओके, तो तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? मम्मी का इंतजार करो,
आप लेके आओ मम्मी को। मम्मी को लेके आऊँ मैं? यहाँ से आएगी इनकी मम्मी और ये यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मम्मी। अब मनीषा आ जाएगी तो आपको एक बैड न्यूज़ भी शेयर करनी है, एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है। तो अब वो मनीषा के साथ ही करूँगा मैं आपके साथ शेयर कि गुड न्यूज़ पहले या बैड न्यूज़ बाद में, या बैड न्यूज़ पहले या गुड न्यूज़ बाद में। सो वो मनीषा आ जाएगी, तब तक आप बने रहिएगा व्लॉग में। डाटा डिसाइड कर लो पहले। अच्छा मेरे बच्चे, मेरे बच्चा तू मेरा दिल नहीं, तू मेरी जान नहीं, मैं आपको जान। ओह आई लव यू डैडी, तू शैतान तू मासूम, बट आई लव यू। बैठ कर लिया, बैठ कर लिया। अरे यार हटो, तू लग जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज, अब बोले कितना गंदा बच्चा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मैं हूँ गंदा। भैया क्या कर रहे हो, कपड़े वपड़े तो चेंज कर लो, फ्रेश तो हो लो। मशीन लगा रहे हो आते ही? अरे हाँ फ्रेश व्रेश तो हो लो यार, एक मिनट पहले मशीन लगा दूंगा फिर हो लो। इनको तभी याद आता है कि जब मैं घर पे आती हूँ, लाओ मैं काट देता हूँ। तो हमें थोड़ी पता था तो कद्दू खिलाने वाली है हमें। अरे आजकल तुम्हें पता नहीं ऐसी खाना है। नहीं आते ही, अभी ठंडा होना उसने। सोजी दोस्तों हमारे घर में कद्दू बन रहा है। ये खुश हो जाता कद्दू के नाम पे, क्योंकि अभी संडे को करेंगे आज, अभी नहला धुला के उसकी पूजा, क्योंकि हम प्याज व्याज अभी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। प्याज लहसुन, हाँ बोलो, क्योंकि कद्दू थोड़ा मीठा सा होता है। मीठा तो आपको पसंद नहीं है, है? कहाँ पसंद आपको मीठा? हाँ सब्जी बनाना सीखते क्यों नहीं हो ये बच्चे? मैं तो ऑनलाइन देख के YouTube जिंदाबाद है। YouTube आजकल अभी कुछ नहीं करना खाने में जब तक उसकी पूजा नहीं करता वो। मैं तो बना दूंगा YouTube से सीख के, लेकिन ये मेरे हाथ का खाएंगे नहीं। क्यों? और एक बार इन्होंने मेरे हाथ का खा लिया फिर ये तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे। अरे जाओ यहाँ से, इतना अच्छा मामला में हमारे हाथ का नहीं खाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बैड न्यूज एक गुड न्यूज। बैड न्यूज क्या? या बैड न्यूज पहले बताऊँ? पहले बताओ क्या बताऊं? नहीं बैड न्यूज पहले बताऊं या गुड न्यूज पहले बताऊं? बैड न्यूज पहले मेरे को बताओ। बैड न्यूज बतानी है पहले, गुड न्यूज जल्दी बताओ। तो दोस्तों बैड न्यूज ये है कि अब मनीषा ऑफिस जा रही है, आपको ब्लॉग में कम दिखेगी, फिर भी होगी। एंड गुड न्यूज ये है कि अब ये जॉब में जा रही है, शांति होती होगी ना घर में पूरे दिन। हाँ बहुत शांति रहती है, आराम से सोते रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं। आप इसका काम करते हैं। चलिए दी अब ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग थोड़ा सा लंबा बन गया हो। लंबा लंबा क्यों बनेगा, सुबह का भी है ना। हाँ चलिए फिर, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल। Follow me. Bye. 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 Bye.